हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर रोडवेज विभाग की ओर से गरीबों के लिए हैप्पी कार्ड योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत 1 लाख से कम आय वाले लोगों को रोडवेज विभाग की ओर से हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत लोग 1 साल में रोडवेज बस में 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की इस योजना की लोगों ने सराहना की है। होडल रोडवेज बस स्टैंड के इंचार्ज राज सिंह ने जानकारी में बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए हैप्पी कार्ड योजना लागू की है। इस हैप्पी कार्ड में 1 साल में 1 लाख से कम आय वालों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग हैप्पी कार्ड योजना में शामिल होंगे वह 1 साल में रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर की यात्रा निःशुल्क कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी हतीन, होडल, हसनपुर में सभी बस स्टैंडों पर यह हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। होडल बस स्टैंड पर लगभग 3500 कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की इस हैप्पी कार्ड योजना से गरीब लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा गरीब लोग ऑटो, निजी वाहन और अन्य डग्गामार वाहनों में सफ़र करने के बजाय रोडवेज बसों में सफ़र कर सकेंगे। सरकार की इस योजना की शहर के लोगों ने भी सराहना की है। हमारे सीएम साहब सैनी ने एक योजना चलाई थी कि जिनकी 1 लाख से कम आय वाले जो लोग हैं उनको 1000 किलोमीटर की यात्रा फ्री करने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन ने एक हैप्पी कार्ड की योजना बना के दिया है। तो ये जो 1000 किलोमीटर ईयर्स का है, 1 ईयर्स का है, 1 मंथ का है, 1 साल का है? 1 साल, 1 साल के लिए। किस लिए सुविधा दी कि जो गरीब लोग हैं वो बस में यात्रा करें, कहीं तीर्थ यात्रा कर सकें या अपना कहीं आना जाना हो, उसके लिए उनको सुविधा दी गई। इस सुविधा के लिए 1000 किलोमीटर का 1 साल के लिए उनको बेनिफिट। और जो विद्यार्थियों के लिए भी कुछ किया गया है उसके बारे में? उसमें जो सीएम साहब ने आदेश अभी जारी नहीं है, उसे चिट्ठी जारी नहीं करी है, जिन बच्चों के 60% का जो रिजल्ट आएगा उन बच्चों को भी वो कुछ स्कीम देने के लिए उन्होंने कहा है, जिससे कि 28 तारीख से, और अब तक हम करीबन 28 तारीख को हमने 100-200 कार्ड बांटे हैं, 29 तारीख को हमने 150 कार्ड बांटे हैं, और अब तक कुल कितने कार्ड बन चुके हैं? हमारे यहाँ से करीबन 2200 कार्ड हम वितरण कर चुके हैं। बन कितने चुके हैं? देखो, ये तो जैसे चंडीगढ़ से जो कार्ड जितने आते हैं, जिले वाइज, तहसील वाइज हमारी सुविधा, जनरल मैनेजर ने सुविधा दी थी, एक ज़िले में पलवल होने के नाते आज की डेट में जीएम साहब ने हसनपुर में अलग ब्रांच बना दी, होडल के अंदर अलग ब्रांच बना दी है, अतीन के अंदर जो भी तहसील है सब तहसीलों में उनको कन्वर्ट कर दिया कि वहाँ से वहाँ लोग नज़दीक से उनको ले सकें।